हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास नाइन्थ के टर्म टू का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर्स पर बात करने वाले हैं। जो सॉलिड फिगर्स होते हैं उनके क्या वॉल्यूम है, जैसे कि कोन है आपका, क्यूब, क्यूबोइड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, इसके वॉल्यूम्स पर बच्चों हम सीखने वाले हैं कि वॉल्यूम्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आ जाइए बच्चों। तो जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं भाई, जल्दी से क्लास को आ जाना है और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी क्लास को ज्वाइन कर सके। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर प्रोग्रेस पर, तो क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हमें कवर करना होता है, वो है सॉलिड फिगर्स, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर एंड हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूबॉइड, फिर इन सभी सॉलिड फिगर्स के वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस जो टू लेक्चर्स हमारे हुए हैं उनमें मैंने आपको इसी के बारे में सिखाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उन लेक्चर्स को जाकर के एक बार देख ले, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स पर हम आज बात करने वाले, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो एक बार जल्दी से आपको मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देता हूं और फॉर्मूले बता देता हूं कि जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें क्यूबॉइड एंड क्यूब की, तो क्यूबॉइड का सर्फेस एरिया क्या होता है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे फॉर्मूले को मेरे साथ नोट कर लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए कि भाई क्यूबॉइड का जो सर्फेस एरिया होता है बच्चों इसका, है ना, इसमें जो क्वेश्चन बनता है उस तरीके का बनता है जैसे आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछ लिया। क्या पूछ लिया बच्चों? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास 2 × h, ब्रैकेट में आपके पास l+b, ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। उसके बाद बच्चों अगर सरफेस एरिया आपसे पूछ लेगा तो हो जाएगा 2 × lb, प्लस में b × h और प्लस में l × h। ये तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया हो गया और सरफेस एरिया हो गया। अगर हम यहां पर बात करें क्यूब के, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो वो आपका 6 × a² के इक्विवेलेंट होता है। ये तो बच्चों हमारे पास सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज आ गए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर हम बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम, जैसे कि इसकी लेंथ एल है, अगर मैं यहां पर विड्थ को अगर मैं यहां पर सपोज करूं इसको मैं बी कंसीडर करता हूं, ज्यादा सिंपल तरीके से आप फॉर्मूला लर्न कर पाएंगे, और हाइट अगर इसकी एच है। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास होता है, यहां पर अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास l × b × h के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू में a³। अगर क्यूब की एक साइड सपोज करो, हमने बोल दिया कि क्यूब की साइड सपोज करो a है, और ब्रेथ भी सपोज करो a है, और हाइट भी सपोज करो a है, तो क्यूब का वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, a³ के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्यूब के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूलाज है। अच्छे से इनको रिमेंबर करना है आपको और नोट कर लेना अपनी नोटबुक पर। ठीक है बच्चों, आई होप सभी ने नोट कर रखा होगा बढ़िया तरीके से, लेकिन इसको एक बार और बढ़िया तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, यानी कि इसको हम दो तरीके से बोलेंगे, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया बच्चों हमने पढ़ा है क्या होता है आपके पास, 2πrh के इक्वल होता है, और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये आपके पास 2πr × में आपके पास h प्लस में r। टोटल सरफेस एरिया में जो बेस का एरिया है, जो टॉप का एरिया है, πr² दो बार ये आपका ऐड हो जाता है। इसके बाद अगर इसके हम वॉल्यूम की बच्चों बात करें तो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 2 × πr² 2π, एक सेकेंड, यहां पर πr² आएगा बच्चों। ठीक है, 2πr²h, 2π, एक सेकेंड, πr²h, ठीक है, 2πr की यूज ही नहीं है यहां पर, आ जाइए। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, πr²h के इक्वल होता है। किसके इक्वलेंट होता है बच्चों, πr²h के। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास सिलेंडर का आपका क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया कि सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो πr²h के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अगर हम कोण की बात करते हैं,
तो कोण का अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई इंटू आर इंटू एल होता है, और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो पाई इंटू आर ब्रैकेट में एल प्लस आर की इक्वल होता है। और अगर इसके बच्चों वॉल्यूम की बात करें तो कोण का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि कोण का जो वॉल्यूम है वो एक सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो कोण का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर ऑफ एच, ठीक है बच्चों। दिया हमारे पास इसके कोण का वॉल्यूम निकल करके आ गया। उसके बाद बच्चों अगर स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये होता है आपके पास 4πr² एंड इसका अगर हमसे वॉल्यूम पूछा जाएगा तो इसका वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 4/3 इंटू में पाई आर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। और सिमिलरली बच्चों अगर हेमिस्फीयर आपके पास कुछ इस शेप का गिवन है तो हेमिस्फीयर का अगर आपसे सरफेस एरिया पूछेंगे तो इसका सरफेस एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा कर्व सरफेस एरिया वाला पोर्शन है। तो कर्व सरफेस एरिया का होता है बच्चों हमारे पास कितना, 2πr² के इक्वल, और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 3πr² एंड इसके वॉल्यूम की अगर बच्चों हम बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, 2/3πr³। ये बच्चों हमारे पास इसके फॉर्मूले हो गए, ठीक है, हेमिस्फीयर के। हाँ, अब हॉलो स्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके लिए फाइंड करना है तो एक्सटर्नल रेडियस का क्यूब माइनस में इंटरनल रेडियस का क्यूब, उस तरीके से वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, वो क्वेश्चन जब आएगा तो डायरेक्ट प्रॉब्लम की हेल्प से हम उस चीज को समझेंगे, क्लियर है बच्चों। अब यहां पर हम मूव करते हैं अपने एक छोटी सी क्विज करेंगे, ठीक है बच्चों, एक छोटी सी क्विज करते हैं, आपको फॉर्मूले भी मैंने बताए हैं तो अब देखते हैं कि आप लोग कैसे इन फॉर्मूलास को अप्लाई करते हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, आप लोगों को अपनी नोटबुक पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, क्विज के लिए रेडी हो जाइए पहले तो सारे लोग, ठीक है, पहले तो सभी बच्चे जल्दी से रेडी हो जाइए, रेडी है, चलो भाई। तो क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 256 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का 256 मीटर स्क्वायर है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना है। बताइए बच्चों क्या आएगा, जल्दी से सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर करिए। लेटरल सरफेस एरिया आपके पास गिवन है बच्चों और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना आंसर लिख करके बताएंगे, ठीक है, जरूर से, सभी बच्चे जो भी क्लास देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से लिख करके बताना, ताकि पता तो चले आप लोग कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में, ठीक है। जल्दी से आंसर करो बच्चों, टाइम अप होने वाला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर, मतलब कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इस डायमेंशन वाले रूम पर वो लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ बतानी है जो इसके अंदर पर रखा जा सकता है, वो लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ क्या होगी आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए तुरंत फास्ट। हो गया बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, तो आई होप सभी ने आंसर कर लिया। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है ना, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले अगर आप देखो तो 2 इंटू में h ब्रैकेट में l प्लस b, अब ये सब सेम रहता है तो h भी सेम, l भी सेम, b भी सेम, तो यानी कि हम वहां पर बोल सकते 2a और यहां पर 2a, तो 4a स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, 4a स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है बच्चों, लेटरल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4a स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्लियर है, फोर साइड्स है, सभी साइड्स का स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर एरिया, तो ऑब्वियस 4a स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास कितना गया है बच्चों, 256। 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो 4 6 जा 24 ठीक है बच्चों, और 4 4 जा 16 यानी कि 64 आया। यहां से a की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सॉरी a स्क्वायर 64 है तो यहां पर a की वैल्यू आपके पास 8 सेंटीमीटर लेकर गएंगे। क्या लाएंगे बच्चों, 8 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, अब अगर साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8 to the power 3, मतलब कि 8 to the power 3 इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया था यानी कि 512 मीटर क्यूब। ओके, मीटर क्यूब है ना बेटा, तो यहां पर एम क्यूब कर लो, एम क्यूब ठीक है, 512 मीटर क्यूब इसका राइट आंसर है। The length of the longest pole that can be put in a room of dimension. तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारे पास length given है room की, ये width given है और ये height given है, ठीक है? तो जो diagonal length जो होती है बच्चों, उस length का कोई भी pole होगा, उसको हम highest length का वो pole होगा जो कि हम room पर रख सकते हैं। तो diagonal की length बच्चों क्या हो जाएगी, square root 10 square plus में 10 square plus में 5 square. That will be equal to 225. और यहां से आपके पास कितना आएगा, 15 मीटर आ जाएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर इसका राइट आंसर है। तो ये तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी मैंने इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको डिस्कस किए भी थे, ठीक है। चलिए बच्चों तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन 4000, एक विलेज की पॉपुलेशन 4000 रुपीज है, 4000 है ठीक है, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, जहां पर जित इन सभी लोगों में हर एक बंदे को हर एक पर हेड 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इट हैज अ टैंक ऑफ मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। अब आपको बोलना है कि भाई इस टैंक में इतनी डायमेंशन है और इतना इसमें वाटर है, ठीक है बच्चों। अब आपको बताना है कि भाई 4000 लोगों के लिए कितने दिन तक ये जो आपका वाटर टैंक है ये वाटर सप्लाई कर सकता है, यानी कि कितने दिनों तक पानी चलेगा, उसके बाद पानी मिलना बंद हो जाएगा, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि पॉपुलेशन अगर 4000 है और पर हेड अगर 150 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो सोचिए कि 4000 लोगों को टोटल कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम यहां पर देखें टोटल रिक्वायरमेंट की, अगर हम बात करें टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, अगर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 4000 इंटू में आपके पास 150, तो आपके पास 16, ओके, और यहां पर 40 आपके पास आ गया, ठीक है बच्चों। इतने लीटर आ गया आपके पास, क्या आ गया बच्चों, इतने लीटर हमारे पास आ गया, इतने लीटर वाटर की नीड है, ठीक है, इतने लीटर वाटर की आपको नीड है। अब अगर मैं बोलूं वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक की अगर हम बात करें बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास अगर देखें, तो सबसे पहली बात जो टैंक है वो क्यूबॉइडल शेप का है, जिसकी लेंथ है, ब्रेथ और हाइट गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, 20 × 15 × आपके पास 6, तो यहां पर 15 6 जा 90 92 जा 180, तो 180 आ गया, और यहां पर 1800 मीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया बच्चों, 1800 मीटर क्यूब। अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये क्या है, 1800 मीटर क्यूब है वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी कि टैंक की कैपेसिटी हमारे पास 1800 मीटर क्यूब है, और गांव को इस विलेज को एक दिन में अगर हम यहां पर बोले तो इतने लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट पर डे, ठीक है, यहां पर लिखा है ना बच्चों 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, है ना बच्चों, तो वन इतने लीटर वाटर पर डे रिक्वायरमेंट है, इसको लिख सकता हूं पर डे, ठीक है बच्चों, पर डे रिक्वायरमेंट, डेली इतना वाटर चाहिए। तो अब आप बताइए तो कितने दिनों तक चलेगा, तो अगर मैं यहां पर देखें नंबर ऑफ डेज अगर निकाले, नंबर ऑफ डेज अगर निकाले, तो सबसे पहली बात आप ये देखिए कि टोटल वाटर हमारे पास 1800 है मीटर क्यूब है।
अब आपको मालूम है कि 1000 लीटर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 1000 लीटर आपका 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, 1000 लीटर आपके पास 1 मीटर क्यूब के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम यहां पर देखें तो लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इधर से अगर आप यहां पर ध्यान से समझिए तो इतने लीटर है तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 600 मीटर क्यूब, यानी कि इसको अगर हम देखें तो 600 मीटर क्यूब भी हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब फॉर अ विलेज इज 600 मीटर क्यूब, तो भाई नंबर ऑफ डेज क्या होगा, ये है टैंक की कैपेसिटी और पर डे इतने मीटर क्यूब वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो 1800/600 कर दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3 डेज तक ये जो वाटर टैंक है ये पूरे विलेज में वाटर सप्लाई कर पाएगा, लेकिन आफ्टर थर्ड डे क्या हो जाएगा, वहां पर पानी की कमी हो जाएगी, वहां पर वाटर सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं रह जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली चीज यहां पर आपको निकल करके आता है, क्लियर है, 3 डेज, नंबर ऑफ डेज क्या आ गए बच्चों हमारे पास 3 डेज निकल करके आ गए। तो क्या करना है, पहले तो पूरे ये देखो कि एक दिन में कितने वाटर की नीड है, तो हमने देखा कि इतने लीटर्स एंड 600 मीटर क्यूब, इतने हम ये बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपने देखा कि भाई जो टैंक की कैपेसिटी है वो 1800 मीटर क्यूब है और पर डे 600 मीटर क्यूब वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो 1800 में से 600 को डिवाइड कर दिया तो 3 डेज आ गया, कितना आ गया बच्चों 3 डेज, तो आंसर हमारा 3 डेज हो गया, क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लेना सभी लोग, ओके। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आई होप सबको समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइज 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, नए क्यूब की साइड क्या होगी बच्चों, आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन दी सरफेस एरियाज, उनके सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा। अब आप ये समझिए कि एक सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर कट इनटू 8 इक्वल क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक 12 सेंटीमीटर साइड वाले एक क्यूब को आपने छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, और कितने क्यूब में कट किया, 8 क्यूब्स में कट किया, तो हम अगर बात करें 8 इंटू में वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब, ठीक है बच्चों, एक नए क्यूब का वॉल्यूम इंटू में 8, क्योंकि 8 ऐसे क्यूब मिले हैं, इक्वल टू बच्चों वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूब। एक्चुअल में बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट ये अप्लाई है कि भाई आपके पास एक आपके पास क्यूब है, अब उसको आपने छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया, लेकिन दोनों कंडीशन में जो छोटे छोटे क्यूब है उनका वॉल्यूम और जो हमारा ओरिजिनल क्यूब था, जो छोटे छोटे क्यूब है उनका वॉल्यूम, जो ओरिजिनल क्यूब था उनका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बच्चों क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा, मतलब कि दोनों के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बड़े वाले से तो ये छोटे छोटे आपने बनाए हैं, जो बड़ा वाला क्यूब था उसी से छोटे छोटे से क्यूब आपने बनाए हैं, तो वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं बोलूं कि नए क्यूब की साइड सपोज करो हमने ए यूनिट ले ली, कितनी ले ली, ए यूनिट, तो 8 इंटू में आपके पास ए क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओल्ड क्यूब, तो उसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, तो 12 to the power आपके पास 3 हो जाएगा, तो ए क्यूब इक्वल टू आएगा 12 into 12 upon 8, यहां पर 8, ठीक है बच्चों, तो आज ये 4 2 8 4 3 12 2 6 12, ये क्या बन गया, 6 3 18 18 इंटू में आपने 12 कर दिया, तो 12 8 जा आपके पास 96 आ जाएगा बच्चों, तो यहां पर 6 आया, कैरी आया आपके पास 9, और 12 1 जा 12, और यहां पर 21 216, ठीक है बच्चों, तो ए क्यूब इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ गया। अगर 216 सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो साइड अगर मैं आपसे पूछूं तो आपसे क्या पूछा था, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब की साइड हमारे पास 216 का क्यूब रूट लोगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर तो नए क्यूब की साइड आ गई। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन दी सरफेस एरियाज,
इनके सरफेस एरियाज का रेशियो आ जाइए। तो सबसे पहले ओल्ड वाले के सरफेस एरिया या कि पुराने नए वाले के सरफेस एरिया एंड ओल्ड वाले के सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड वन ओल्ड क्यूब, ठीक है बच्चों। इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो तो ये होता है 6 into a square एंड ये हो जाएगा आपके पास 6 into 12 square। 6 से 6 कैंसिल, यहां पर 6 की वैल्यू a की वैल्यू 6 है तो 6/12 का होल ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर दैट मींस 1/4। तो जो सरफेस एरिया का रेशियो आएगा वो 1/4 आएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। सरफेस एरियाज का जो रेशियो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 1/4 हमको निकल करके आ जाएगा, क्लियर है। सरफेस एरियाज का जो रेशियो है बच्चों वो 1/4 हमको निकल करके आएगा, क्लियर है, नोट कर लीजिए। सरफेस एरियाज का जो रेशियो है बच्चों वो 1/4 हमको निकल के आ गया, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आइए सभी बच्चे नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रिवर 3 meter डीप एंड 40 meter वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h। एक रिवर है, ठीक है बच्चों, और उसकी हमको दे रखी है कि 3 meter डीप, 3 meter गहरी है, 40 meter वाइड, 40 meter की चौड़ाई है रिवर की, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 km/h, यानी कि 1 hour में अगर हम बोले कि 1 hour में 2 km की लेंथ की स्पीड से फ्लो कर रही है, ठीक है बच्चों, ओके। How much water will fall into the sea in a minute? अब आपको बताना है कि 1 minute में कितना water sea में जाकर के गिर जाएगा, गिरेगा मतलब sea में जाएगा, ये हमें बताना है। सबसे पहली बात करें तो अगर आप ये देखो कि स्पीड क्या है, फ्लोइंग रेट क्या है, 2 km/h, मतलब कि 2 km/h मतलब कि इन 1 hour, ठीक है बच्चों, 1 hour में 2 km, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो 2000 meter इक्वल टू 1 hour हो गया। अब 1 hour को तुम अगर, क्योंकि यहां पर मिनट में तुम्हें फाइंड करना सब कुछ, तो 1 hour इक्वल टू तुम्हारे पास 60 minute होता है, 1 hour इक्वल टू तुम्हारे पास 60 minute होता है, तो यानी कि यहां से अगर आप देखो तो 2000/60 इक्वल टू 1 minute, ठीक है बच्चों। 1 minute में इतनी स्पीड से चल रही है, यानी कि यहां से कितना आ गया 200/6, ठीक है बच्चों, 1 minute में इतना वॉटर आपका रिवर से होकर के, रिवर से गो थ्रू होने वाला है, रिवर के थ्रू वाटर जो निकल रहा है 1 मिनट में वो 200/6 आ गया, इतना 1 मिनट में, ठीक है बच्चों। अब आपको ये देखना है कि भाई कितना वाटर गया, ये तो सिर्फ लेंथ लेंथ है, अगर आप ध्यान से समझिए कि रिवर ऐसे चल रही है, ये रिवर बच्चों ऐसे चल रही है, आपको इसकी डेप्थ मालूम है, ठीक है बच्चों, आपको रिवर की डेप्थ मालूम है कि रिवर की डेप्थ क्या है, ठीक है, रिवर की डेप्थ आपको मालूम है, अब कुछ कुछ इसी तरीके की रिवर है, रिवर की आपको डेप्थ मालूम है और विड्थ मालूम है कि विड्थ क्या है। अब आपको यह भी मालूम है कि 1 मिनट में 200/6 meter इतना वाटर यहां से होकर के पास करने वाला है। तो बच्चों अगर हम यहां पर देखें तो हाउ मच वाटर, तो 1 मिनट में कितना वाटर इस रिवर से पास करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम अगर यहां पर फाइंड कर लें कि 1 मिनट में कितना वाटर इस रिवर से पास करेगा, मतलब कि 1 मिनट में कितना वाटर पास की उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है बच्चों, तो हम निकाल सकते वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पासेस थ्रू रिवर इन वन मिनट क्या आ जाएगा बच्चों, लेंथ आपके पास आ गई 200/6, कितनी है बच्चों 200/6, ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है बच्चों, ओके 200/6, उसके बाद डेप्थ हमारे पास 3 meter एंड ओके यहां पर आपके 40 एंड आपके पास यहां पर कितना है 3, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, तो ये बन गया 2 2 जा 4 और 0, तो यानी कि 4000 meter cube, 4000 meter cube इतना वाटर है बच्चों जो 1 मिनट में इस रिवर से आपका पास करेगा, कितना वाटर बच्चों 4000 meter cube, इतना वाटर है जो इन अ मिनट रिवर से पास करेगा, यही वाटर जाकर के आपका नदी में गिरेगा, क्योंकि आप वो समुद्र में यानी कि सी में गिरेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई होता क्या है,
कि जो भी नदियां उन सभी का पानी जाता कहां पर है, रिवर में जाता है, सॉरी सी में जाता है। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में अगर रिवर से इतना वाटर पास कर रहा है 4000 मीटर क्यूब, तो 1 मिनट में इतना ही वाटर सी पर गिरने वाला है। तो 4000 मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, 4000 मीटर क्यूब इसका राइट आंसर है। क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में यह भी दे रखा है कि जो रिवर है वो क्यूबॉइडल शेप की है। देखो बच्चों, रिवर 3 मीटर डीप 140 मीटर वाइड एंड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ दिस, तो अगर डेप्थ और विड्थ गिवन है तो समझ लीजिएगा कि वो क्यूबॉइडल शेप की बात कर रहे हैं। तो रिवर क्यूबॉइडल शेप की है, ठीक है, आप उसको कैनल बोलो, रिवर बोलो, कुछ भी बोलो, अब वो आपकी मर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। कि भाई कितने सूप की रिक्वायरमेंट होगी 250 पेशेंट की, तो हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स को। और यहां पर अगर देखिए, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल बॉल मतलब कि कुछ इस तरीके का आपके पास बॉल है, ठीक है, एक मग भी बोल सकते हो या बॉल भी बोल सकते हो, जिसका डायमीटर आपके पास 7 सेंटीमीटर है। डायमीटर क्या आपके पास 7 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें सूप को कहां तक फिल्ड किया है, टू द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। सूप को मान लो यहां तक की हाइट तक फिल्ड किया गया, सूप को बच्चों मान लो यहां तक, और कितनी हाइट है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक फिल किया गया है। तो हम एक्चुअल में अगर सूप का वॉल्यूम निकालने की एक बॉल में कितना सूप है, तो 4 सेंटीमीटर हाइट लेंगे, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो 7/2 रेडियस हम यहां पर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें, इफ द बॉल हैज टू बी फिल्ड, ओके, हाउ मच सूप ऑफ द हॉस्पिटल, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सूप इन अ बाउल, ठीक है बच्चों, एक बाउल में अगर हम बात करें तो कितना सूप आएगा, कितना सूप होगा। तो अगर यहां पर आप देखो तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसकी 7/2 हो जाएगी और हाइट आपके पास 4 सेंटीमीटर है ही। तो वॉल्यूम ऑफ सूप इन अ बाउल क्या हो जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 इंटू में 7/2, और हाइट हमारे पास कितनी है यहां पर 4 है, और हाइट हमारे पास 4, तो 2 × 2 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो यहां से 7 × 2 जा 14, 154 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास ये आ गया। क्लियर है बच्चों, 154 सेंटीमीटर क्यूब एक बोल में कितना सूप है, वॉल्यूम ऑफ सूप इन अ बोल, ठीक है बच्चों, एक बोल में कितना सूप है ये आपके पास 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ऐसे कितने बोल की रिक्वायरमेंट है, टोटल अगर हम देखें तो 250 पेशेंट है और हर को एक बोल सूप की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ सूप कितनी आएगी, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ सूप अगर देखें तो 154 तो एक बोल में आ गया और ऐसे 250 बोल की रिक्वायरमेंट है। चलिए तो 25 × 4 = 100, तो यानी कि आपके पास 0 आए, कैरी है आपके पास 10, 25 × 5 = 125 और 125 में आपने 10 ऐड किया तो 135, तो यानी कि 5 आए, कैरी है आपके पास 13, और 25 × 25 उसमें अगर आप 13 ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, तो 5 + 3 = 8, 2 + 1 = 3, तो यहां पर आपके पास 338 आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए एक जीरो और आ गया, तो इतने कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 25 × 4 = 100 की जीरो, यहां पर आपके पास 10 आया, फिर आगे पर चलो, इतने हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब बच्चों हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये तो सेंटीमीटर क्यूब में रिक्वायरमेंट आ गई, अब कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कि इतने सेंटीमीटर क्यूब सोप प्रिपेयर करना होगा, लेकिन अगर इसको मैं किसमें फाइंड करूं, इसको अगर मुझे फाइंड करना है आपको लीटर्स में, तो बेसिकली बच्चों अगर मैं बात करूं कि 1000, देखिएगा
वन सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चों, वो वन अपॉन में 1000 लीटर इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन में 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो यहां से अगर हम देखें बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो इन लीटर अगर हम यहां पर फाइंड करें, इन लीटर कितना हो जाएगा, 38500 अपॉन में 1000, तो 20 कैंसिल, तो ये आपके पास 38.5 लीटर, इतने लीटर सूप की रिक्वायरमेंट आएगी। कितने बच्चों, 38.5 लीटर सूप की यहां पर हमें रिक्वायरमेंट आएगी, ताकि हम 250 पेशेंट को आपका सबको इतने इतने कितना कितना बच्चों 154 सेंटीमीटर क्यूब सूप प्रोवाइड कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके पास यहां से इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर, समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कोई डाउट यहां पर किसी भी तरीके का, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर। तो सिंपल सा है, एक बोल का हमने देख लिया कि एक बोल में कितना सूप आएगा, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ सूप यहां पर हमने फाइंड कर लिया इस तरीके से बच्चों, और उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमको लीटर में कन्वर्ट करने पर 38.5 लीटर निकल करके आ गए। क्लियर है बच्चों, आंसर आ गया आप सभी का। चलिए, बहुत ही सिंपल है, इजीली आप लोग कर सकते हैं सॉल्व। चलिए भाई, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाइए, अ राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट ट्राइंगल एबीसी है बच्चों, विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। देखिएगा, राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि मान लो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, ये इसका राइट एंगल है, साइड है 5 सेंटीमीटर 12 एंड 13, लॉन्गेस्ट साइड 13 होगी, फिर ये 12 और ये हमारे पास 5। ठीक है बच्चों, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर वाली जो साइड है इसके अबाउट रिवॉल्व कर दिया गया। आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को ऐसे कि अगर मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि इस तरीके से आपके पास कुछ फिगर बनना है, ठीक है, ऐसा कोई आपके पास फिगर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूं तो मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे करके इस पोजिशन में पूरा रोटेट कर दे रहा हूं, तो मतलब कि अगर मैंने इसको इस पोजीशन से, है ना, इसकी हाइट के एस्पेक्ट में रिवॉल्व कर दिया, तो हाइट के एस्पेक्ट में रिवॉल्व करने पर ये आपको क्या शेप कन्वर्ट होगा, आप किस शेप के फॉर्म इसको देख सकते हैं, ये आपके पास कुछ इस शेप का एक कोण बनता नजर आएगा। ठीक है बच्चों, इस शेप का ये कोई कोण आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इस शेप का एक कोण बनता हुआ नजर आएगा, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि भाई ये जो हाइट ऑफ कोन हो जाएगी हमारे पास, ये क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, जो स्लेंट हाइट है ये आपके पास 13 सेंटीमीटर रहेगी, और रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस इसके पास आपके पास 5 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हमने क्या किया, इसको इसकी हाइट के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कर दिया, रिवॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, हाइट के रिस्पेक्ट में इसको हमने रिवॉल्व कर दिया, तो ये आपको एक 3D फिगर आप देख पा रहे हो, 3D फिगर आप विजुअलाइज कर सकते हो कि कुछ इस टाइप का फिगर यहां पर आपका बनेगा। क्लियर है, इस टाइप का फिगर यहां पर बनेगा। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, तो इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में एच होता है। तो भाई 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू आप यहां पर 22/7 पुट कर सकते हो चाहो तो, या फिर अभी चाहो तो पाई लिखे रहने दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो इसको पाई ही लिखे रहने दो, 1/3 इंटू में पाई। अच्छा, रेडियस आर की वैल्यू क्या है, रेडियस आर हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट हमारे पास 12 है, तो 3 × 4 = 12, 25 × 4 = 100, तो कितना बन गया, पाई इंटू में 100। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आपको मालूम है कि पाई इक्वल टू क्या होता है, 3.14 इंटू में 100, तो ये आपके पास 314 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली कभी नहीं होती, तो हम अप्रोक्सीमेट यहां पर लिख देंगे कि अप्रोक्सीमेट बच्चों इतना हमको वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है,
अप्रोक्सीमेट हमको इतना वॉल्यूम आपका निकल के आएगा। कैसे किया हमने, क्या किया, ध्यान समझिएगा। एक राइट सर्कुलर, एक राइट ट्राइंगल था, उसको उसकी जो हाइट है 12 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके उसके अलोंग में हमने इसको रोटेट कर दिया, है ना। तो 12 सेंटीमीटर हाइट के अलोंग में जब हमने इसको रोटेट किया, तो रोटेट करने से मतलब रिवॉल्व करने से, आप समझिए कि इसके रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रहा ऐसे, तो अब इसको पकड़ करके ऐसे घुमा दो, है ना। इसको फिक्स रखोगे, समझिएगा, इसको हमने फिक्स रखा, इसको फिक्स रखा और इसके इसके अबाउट घुमा दो, आप समझिएगा, ऐसे पकड़ के यू यू घुमा दो, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो एक हमारे पास कोनिकल शेप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक कोनिकल शेप बन जाएगा। एक पेपर लेकर के राइट ट्रायंगल बना करके उसको रिवॉल्व करके चेक भी करो, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास तरह से निकल के आया और आंसर 314 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया, बेसिक क्वेश्चन थे। लेकिन बच्चों इस टाइप के अभी और भी प्रॉब्लम्स है जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में अब डिस्कस करूंगा, तो आई होप ये क्वेश्चन जो भी मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों अब हम क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। अनदर जो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।